लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के एक मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। गिरफ्तारी का वारंट कोर्ट ने जारी किया है। अब जब जानेंगे कि मामला क्या है तो आप खुद सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे कैसे नेताओं की भरमार है और किनको केंद्रीय कैबिनेट तक में जगह दे दी जाती है। जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है उनका नाम निश्चित प्रमाणिक है और वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और इनके खिलाफ ही बंगाल में कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है और इन पर ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना में संलिप्तता का आरोप है। मामला पुराना है लेकिन अब जाकर गिरफ्तारी का वारंट इनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में चुने हुए नेता कैसे कैसे हैं, कितने दागी हैं। एडीआर की रिपोर्ट पर हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन मोटा मोटी यह मान लीजिए कि जो अभी का कैबिनेट है उसमें भी 42% लोग तो दागी ही हैं। कई पर तो गंभीर मामले चल रहे हैं और कुछ नेता तो इनके बरबोले होते हैं, भड़काऊ बयानबाजी भी करते हैं। कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ विधायक स्तर पर होते हैं। हर कोई अपने अपने रंग में रंगा हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो खबर आई है उसमें यह देखा गया है कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इन पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है क्योंकि ये चोरी की घटना में शामिल हैं। शायद अगर ये साबित हो जाएगा तो ये तो सोना चोर कहलाएंगे। ज्वेलरी शॉप में चोरी में संलिप्तता इनकी बताई जा रही है। News24 का यह ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है, पश्चिम बंगाल कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उनके खिलाफ 2009 में ज्वेलरी की दो दुकानों में चोरी की घटना से जुड़े मामले में वारंट जारी किया गया है और इस मामले में इनकी संलिप्तता बताई गई है। ये हैरान करने वाली भी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी, जो लोकतांत्रिक पार्टी खुद को कहते रहती है कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है और जिस कैबिनेट की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो उनके ही कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जो कि ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना में शामिल होते हैं और इन पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं कि कोर्ट को अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ता है। पूरी खबर क्या है इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर देशबंधु.com की यह खबर देखिए। हेडलाइन में ही लिखा गया है, 2009 के चोरी मामले में केंद्रीय मंत्री प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। अब पूरी खबर क्या है जरा खबर के अंदर देखते हैं। इसमें जो डिटेल में जानकारी है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले की एक अदालत ने मंगलवार शाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अलीपुर द्वार न्यायिक तृतीय न्यायालय ने 2009 में अलीपुर द्वार में दो आभूषण की दुकानों में चोरी के एक मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में कूच बिहार से भाजपा सांसद प्रमाणिक के खिलाफ वारंट जारी किया है। इसमें जो लोग अभियोजक हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए ताकि मामला थोड़ा और क्लियर हो सके कि ये कितने गहरे पानी में क्या किए हुए हैं। मामले में लोक अभियोजक प्रसन्नता नारायण मजुमदार ने मीडिया कर्मियों को सूचित किया कि शुरू में इस मामले की सुनवाई उत्तर 24 परगना जिले के बालासात की एक अदालत ने की थी। हालांकि बाद में मामला अलीपुर द्वार न्यायिक तृतीय न्यायालय के समक्ष आया। 11 नवंबर 2022 को मामले के अन्य आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की लेकिन निषिद्ध प्रमाणिक की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। मजुमदार ने कहा कि सांसद प्रमाणिक के 2019 में सांसद बनने के बाद इस मामले को बालासात स्थित सांसद विधायकों की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद मामले को अलीपुर द्वार न्यायिक तृतीय न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मामला कैसे कैसे घूमता रहा। ये पहले टीएमसी में भी हुआ करते थे लेकिन भाजपा में शामिल हुए। वैसे तो कहा ही जाता है कि आप कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपके सारे दाग एक झटके में धुल जाते हैं। और कैसे धुल जाते हैं यह तो हर कोई देखता है। विपक्ष में है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब आपके पीछे है लेकिन आपने सरेंडर कर दिया, भाजपा का दामन थाम लिया तो सारी जांच एजेंसियां धड़ी की धड़ी रह जाती हैं और कोई कार्रवाई तो भूल ही जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस निश्चित प्रमाणिक
को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, मोदी कैबिनेट में ये शामिल हैं, उन पर तो बांग्लादेशी होने का भी आरोप लगा है और उनके खिलाफ तो प्रधानमंत्री मोदी को खत भी लिखा गया था कि इनकी जांच कराइए, इनकी नागरिकता की जांच कराइए। जो सरकार CAA NRC के मामले पर इतनी मुखर है, वह अपने ही कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को जगह दे रखे हैं जिनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर देशबंधु की खबर है, इसमें बताया गया है कि इससे पहले भी वह 2021 में विवादों में घिर गए थे। कांग्रेस के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रमाणिक एक बांग्लादेशी है और उनकी राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। अब जांच हो नहीं हो लेकिन बीजेपी में है तो आरोप बेबुनियाद हो जाते हैं। बहरहाल मामला यह है कि इनके खिलाफ चोरी जैसे संगीन मामले में अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। अगर ये चोरों वाली बात आ जाती है तो फिर ये कैबिनेट में क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ अगर इस तरीके के वारंट जारी हुए हैं तो कैसी संलिप्तता थी? ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई और केंद्रीय मंत्री स्तर का नेता क्यों उसमें आरोपी बनाया गया, क्यों शामिल हुआ? यह भी तो बड़ा सवाल है। अगर ऐसे दागी हैं तो फिर इनको तो जगह मिलना ही नहीं चाहिए था कैबिनेट में। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह दे दी जाती है। अब जरा बात करते हैं ADR की रिपोर्ट में क्या बताया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये सरकार चल रही है उसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं कितने साफ सुथरे हैं, कितने दागे हैं, उसमें बता दिया जाता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर ADR की रिपोर्ट। द क्विंट की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। मोदी कैबिनेट के 42% मंत्री दागी, 7 साल में दागी मंत्रियों का हुआ विकास। ये पिछले साल की रिपोर्ट है, ADR की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है, हेडलाइन आपने देखा कि मोदी कैबिनेट के 42% मंत्री दागी है और कई दागी मंत्रियों की तो खूब तरक्की हो रही है। अब जरा रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मोदी मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 33 मंत्रियों 42% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 24 मंत्रियों 31% पर गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, अपहरण और डकैती जैसे अपराध भी शामिल हैं। मतलब इतने गंभीर मामलों के आरोपी भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। फिर दूसरे को दागी बताने वाले अपने ही गिरेबान में अगर झांक के देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि चोर, हत्यारे, हत्यारोपी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे संगीन मामलों के आरोपी भी इनके है कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं और शान से घूम भी रहे हैं। अब अरेस्ट वारंट किन्हीं के खिलाफ जारी होता है तो फजीहत तो होती ही है और बात बात पर मोदी सरकार के भी इस बात के लिए फजीहत हो जाती है कि कैसों को आपने अपने कैबिनेट में जगह दे रखी है। तो ADR के रिपोर्ट में भी यह साफ पता चलता है कि बीजेपी दूध की धुली हुई नहीं है, इनके कैबिनेट में बैठे लोग साफ सुथरे नहीं है। अगर 42% से अधिक दागी हैं तो फिर अच्छे लोगों को चुने जाने की जरूरत थी। खैर, अच्छे लोगों को अगर कैबिनेट में जगह दी जाती तो काम का स्तर कुछ और होता, विकास कुछ और देखता। लेकिन जब ऐसे ज्वेलरी दुकान में चोरी के मामले में संलिप्त लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, इनके चुनावी एजेंडा क्या है भगवान जाने। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कोर्ट ने मामले में कार्रवाई तो कर दी है, अरेस्ट वारंट तो जारी कर दिया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।